हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत पुरानी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि मेरे ससुराल में सबकी फेवरेट डिश है, जो सब लोग बचपन से खाते आए हैं। ये बहुत ही झटपट बनने वाली डिश है जिसका नाम मटन चॉप्स है। ये एकदम होममेड मटन चॉप्स है। इसको आप रसम या राइस के साथ सर्व करिए, बहुत यम लगेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये मैंने 500 ग्राम्स मटन लिया है विद बोन, और ये 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून पेपरकॉर्न्स, 15 to 20 गार्लिक क्लोव्स, और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट जिसमें मैंने धनिया डालकर पीस लिया है, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। इसमें सारा टेस्ट गार्लिक और पेपर का ही होता है। इन सारे मसालों को मैंने एक मिक्सिंग जार में डालकर थोड़े पानी के साथ पीस कर पेस्ट बना लिया है। अब एक प्रेशर कुकर में 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर उसे अच्छे से गर्म कर ले, और ये ब्लेंडेड मसालों को डालकर अच्छे से भून ले। जब तक ये साइड से ऑयल नहीं निकलता तब तक अच्छे से भूने। अब मैं इसके अंदर मटन डाल दूंगी और इसकी अच्छे से भुनाई कर लूंगी। इसको तब तक भूनिए जब तक मटन थोड़ा कलर ना बदल दे। ये देखिए, मटन का थोड़ा रंग बदल गया है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी और इसको प्रेशर कुक कर लूंगी। मटन चॉप्स को हमेशा थोड़ा ज़्यादा गलाइए, इससे क्या होता है मटन चॉप्स का टेस्ट डबल हो जाएगा। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से पानी डालें और उसको अच्छे से गला लें। हाई फ्लेम पर 2 विजल्स लगा लूंगी और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दूंगी। जब अपने आप सारा प्रेशर निकल जाए, कुकर के लिड को खोल लीजिए और देख लीजिए कि मटन गला है नहीं, मटन गल गया है। इसके अंदर थोड़ा पानी था तो मैंने उसको ड्राई कर लिया, मटन ड्राई अच्छा लगता है। इसके अंदर मैंने अब थोड़ा धनिया पत्ता डालकर गार्निश कर लिया। अब ये मटन चॉप्स बिल्कुल तैयार है। सर्व करते टाइम थोड़ा लेमन जूस डालकर सर्व करें, एकदम मस्त लगेगी। इसको रसम एंड राइस के साथ सर्व करिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। इससे आपको मेरी सारी रेसिपी की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी।